एक दिन एक बुढ़िया ने एक नन्ही बच्ची का हाथ देखा और कहा, बेटी तू संसार में नाम करेगी। 6 साल की छोटी सी बच्ची और नाम? उसने या किसी ने क्या सोचा कि बुढ़िया की बात सच होकर रहेगी? यह बच्ची 63 साल की उम्र में मरी। मरने के पहले 2 बार इसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। आज तक यह पुरस्कार 2 बार पाने का सौभाग्य किसी को नहीं हुआ है। यह पुरस्कार धनराशि एवं योग्यता के अनुसार संसार के सभी पुरस्कारों में सबसे बड़ा है। यह बच्ची श्रीमती क्यूरी के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। पोलैंड में इसका जन्म हुआ था। जब वह बच्ची थी, पोलैंड पर जारशाही रूस का राज्य था। जार के अत्याचारों के खिलाफ पोलैंड के नौजवानों ने एक गुप्त दल संगठित कर रखा था। जब यह पढ़ती थी, तभी इस क्रांतिकारी दल में शामिल हुई। पीछे जब पता चला कि पुलिस गिरफ्तार करने की धुन में है, तब भागकर वह फ्रांस में पहुंच गई। पेरिस में यह लड़की, जिसका नाम मैरिया था, एक सकरा सा मकान लेकर रहती थी। खुद कॉलेज में पढ़ती और पढ़ाती भी। घर के सारे काम उसे अपने हाथों करने पड़ते। रूखा सूखा खाती। इतने दिनों तक ऐसे भोजन पर वह रही कि जब अच्छे दिन आए तो वह उन दिनों को याद करके उसांसे भरती। उफ, मांस मछली क्या चीज है, मैं बिल्कुल भूल गई थी। पेरिस में एक प्रोफेसर से मैरिया की जान पहचान हुई। मैरिया को जिस तरह विज्ञान का शौक था, इस प्रोफेसर को भी उससे कम नहीं था। दोनों एक साथ तरह तरह के वैज्ञानिक अनुसंधानों में लगे रहते। एक दिन प्रोफेसर ने मैरिया से कहा, क्यों ना हम दोनों विज्ञान और मानवता के कल्याण के लिए परस्पर विवाह कर लें? मैरिया ने स्वीकार कर लिया। अब तो दोनों 2 शरीर 1 प्राण होकर विज्ञान की सेवा में लगे। फ्रांस में एक वैज्ञानिक ने एक नई बात का पता लगाया। उसने बताया कि यूरेनियम नामक धातु से ऐसी किरण निकलती है जो कागज को भी छेद कर ऊपर चली जाती है। फोटो लेकर उसने यह सिद्ध कर दिखाया। सबने इस नई किरण का अस्तित्व मान लिया और उसके नाम पर यह किरण बैकेरल किरण कहलाई। श्रीमती क्योरी और उसके पति का ध्यान इस किरण की ओर गया और दोनों ने इस संबंध में खोज करना शुरू किया। इस खोज के लिए जो सामान चाहिए, क्यूरी दंपत्ति के लिए उनका मिलना मुश्किल था। फिर उनका बहुत सा समय इसी में लग जाता, जिसके कारण रुपए पैसे की भी तंगी रहती। तो भी दोनों इस काम में लगे रहे। यह किरण जिस धातु के कारण निकलती है, अंत में इन्होंने उसका पता लगा ही लिया और उस धातु का नाम रेडियम रखा। रेडियम से 3 तरह की किरणें निकलती हैं, जिनमें एक किरण की गति प्रति सेकंड 186,000 मील है। इस नई धातु के आविष्कार को जब उन्होंने 1900 ईस्वी में पेरिस की रसायन कांग्रेस में रखा, तब संसार भर में हलचल मच गई। क्यूरी दंपत्ति का नाम विज्ञानाचार्यों में गिना जाने लगा और 1903 ईस्वी में उन्हें रेडियम पर अनुसंधान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार का आधा हिस्सा बैकेरल को दिया गया, क्योंकि शुरू में उसी ने इस नई किरण का पता लगाया था। किंतु क्यूरी दंपत्ति को सिर्फ इतने में संतोष नहीं हुआ। वे रेडियम को अन्य धातुओं से विलग कर एकत्र करने की क्रिया में जुट पड़े। पिच ब्लेंडी नाम धातु में रेडियम अधिक पाया जाता है। यह धातु बहुत कीमती है, लेकिन ऑस्ट्रिया के विज्ञान परिषद ने इस धातु का 1 टन लगभग 27 मन उन्हें समर्पित किया। इससे अनुसंधान का काम करना सरल हो गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि 1905 में एक दुर्घटना में प्रोफेसर क्यूरी की मृत्यु हो गई। मैरिया को इससे बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों तक तो सारे काम बंद रहे, लेकिन फिर वह काम में जुट गईं और रेडियम के अनेकानेक चमत्कार दुनिया के सामने रखे, जिससे प्रभावित होकर 1911 में श्रीमती क्यूरी को फिर से नोबेल पुरस्कार दिया गया। रेडियम से बढ़कर प्रकाशमान और शक्तिशाली धातु अभी तक कोई नहीं मिली है और यह मिलती भी बहुत कम है। संसार भर में सिर्फ 2-3 छटांक रेडियम मिल पाई। 1 तोला रेडियम निकालने में
डेढ़ दो करोड़ रुपए खर्च होते हैं। रेडियम की किरणों में इतनी ताकत होती है कि वे लोहे की मोटी मोटी चादरों को भी भेद कर ऊपर निकल आती हैं। रेडियम का उपयोग ज्यादातर कैंसर रोग को अच्छा करने में किया जाता है, किंतु रेडियम ने संसार के सामने नई नई संभावनाएं रखी हैं। इसने सिद्ध कर दिया है कि सारे पदार्थ शक्ति के ही भौतिक रूप हैं और एक धातु को हम दूसरी धातु में बदल सकते हैं, यानी लोहे को सोना बना देना कुछ ही दिनों में आसान हो जाएगा। श्रीमती क्यूरी का संसार ने बहुत सम्मान किया। सभी देशों में रेडियम की प्रयोगशालाएं खुल गई हैं। लंदन में जब वह पहुंची तो सभी वैज्ञानिकों ने उनकी अभ्यर्थना की। श्रीमती क्यूरी की सिर्फ दो लड़कियां थीं, जिनमें से एक को रेडियम संबंधी आविष्कारों के लिए नोबेल पुरस्कार 1935 ईस्वी में मिला।